नवाज शरीफ मुजरिम मफरूर, एक घंटे की भी जमानत नहीं मिलेगी। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने बड़ा कानूनी नुक्ता उठा दिया। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन का कहना था कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जमानत नहीं मिलेगी और एक दिन तो क्या, एक घंटे की जमानत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मुजरिम मफरूर शख्स हैं, मुलजिम मफरूर भी नहीं हैं, जिस तरह इसहाक डार थे। लेकिन मुजरिम मफरूर के लिए कानून में रिलीफ की कोई गुंजाइश नहीं है। एतजाज अहसन ने मजीद कहा कि आईनी तौर पर नवाज शरीफ की लंदन रवानगी एक अजूबा थी, क्योंकि अदालत ने एक मुजरिम को जमानत नहीं दी लेकिन रिहा कर दिया। जमानत वो होती है जब जेल खाने से मुजरिम को जामिन के हवाले किया जाता है और जामिन को कहा जाता है कि 5 करोड़ की 2 जमानतें दो, लेकिन नवाज शरीफ का कोई जामिन ही नहीं था और शहबाज शरीफ का एक बेमानी सा एफिडेविट है और एक मुजरिम का जेल से निकलना या कानूनी हो सकता है या फरारी हो सकता है। लिहाजा अदालत ने गैर कानूनी तौर पर नवाज शरीफ को लंदन जाने दिया क्योंकि उन्होंने जमानत ही नहीं दी। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने मजीद कहा कि अगर कोई मफरूर कैदी पाकिस्तान आ रहा है तो उसको तो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही जहाज के अंदर से गिरफ्तार कर लेना चाहिए। एतजाज अहसन ने कहा कि पाकिस्तान के कमिश्नर का नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करना एक शर्मनाक अमल है।